अरदास फिल्म दे विच गुरप्रीत सिंह कुगी दा एक डायलॉग सब नू याद होवेगा। ये डायलॉग कुछ इस तरह सी, जात मेरी सिख गोत मेरा सिंह। इस डायलॉग दे नाल सहमति जताउंदे हुए साडे विचों बहुतियां ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स ते लिख के स्टोरियां जां स्टेटस भी जरूर पाए होंगे, पर इस डायलॉग नू जेकर असलियत दे विच देखिए तां इस डायलॉग नू एक डायलॉग तों वध के कुछ नहीं समझिया गया। ये अज की वीडियो असी खास उन्हां वास्ते लियाए हाँ जिन्हां दा सिख परिवारां दे विच जन्म होया है, जिन्हां ने खंडे बाटे की पाहुल लई है, जिन्हां नू अमृतधारी होण ते सिख होण ते माण वी है। कहण नू तां असी सारे सिख हाँ, असी माण वी महसूस करदे हाँ कि असी सिख हाँ, पर कई बार असी गुरु साहिब दे हुक्म मन्नण तों इनकारी भी हाँ। ता ही तां साडे सोशल मीडिया अकाउंट्स तों लैके सरकारी कागज पत्रां तक साडे नाम दे नाल सिंह जां कौर दी जगह फलाना सिंह संधू, फलाना सिंह गिल अते होर प्रचलित गोतां दी वरतों कीती जांदी है। कई वार तां अजिहा भी हुंदा है कि असीं अपने नाम दे नाल कौर जां सिंह शब्द दी वरतों करिए चाहे ना करिए, अपनी जात गोत लाउणा नहीं भुलदे, स्टेटस सिंबल जो होया। असीं सारे कहण नूं जात पात तों इनकारी हाँ, असीं जात पात दे विच गोत दे विच यकीन नहीं करदे, पर साडे विचों जट पुणा मजहबी पुणा खत्म नहीं होया। जो एक जट है वह सिर्फ जट है, जो एक मजहबी है वह सिर्फ मजहबी है, जट सिख या फिर मजहबी सिख नहीं हो सकता। क्योंकि जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने खंडे बाटे की पाहुल ही छका दी, ये पाहुल छका के जात पात के वखरेवियां नू दूर कर दिता, तो फिर जात पात गोत के वखरेवे कादे वास्ते। 28 अप्रैल 1985 के दिन श्री अकाल तख्त साहिब तो एक हुक्मनामा जारी होया सी, जिस विच लिखिया सी कि कोई भी सिंगणी जां सिंह अपने नाम दे नाल कौर जां सिंह शब्द की वरतों करे ते नाल जात गोत की वरतों नहीं करना, क्योंकि यह मनमत है। पर देखा गया है कि श्रोमणी कमेटी तो लैके बहुत सारे सिख आगू भी अपने नाम दे नाल जात गोत की वरतों करते हैं, तो फिर यह हुक्मनामा ही कादा। दसम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की साजना वेले चौ वर्णा के लोगों नू इको खंडे बाटे दे विचों पाहुल छकाई सी, जात पात ते भिन्न भेद सब मिटा दिते गए सी। सतगुरां दा हुक्म सी कि अज तो तुसां सतगुर कह जन्मै गवन मिटाया है, ते तुहाडी जो भी कुल वंश जात गोत देश जां कर्म है उन्हां दा ख्याल तक तुसां त्याग देना है। जिहड़ा सिख हो के सिख नूं उसदी जात गोत पुछेगा सो तनखाहिया होवेगा, वह गुरु साहिब की प्रसन्नता हासिल नहीं कर सकेगा। इस दे नाल ही इस गल वल भी ध्यान देन दी लोड़ है कि सिंह जां कौर सिर्फ एक मामूली जिहा शब्द नहीं, गुरु गोबिंद सिंह जी वल्लों बख्शी एक उच्ची उपाधि है। गुरमत दी जीवन जुगत धारण करके इस उपाधि नूं हासिल करन वालियां ने अपनी संतान दे नावां नाल भी इस उपाधि नूं गुरु साहिब दी बख्शिश समझ के नाल लाउणा अपना फर्ज समझा सी, पर अजकल बहुत सारे लोग अपने नावां दे नाल सिंह जां कौर शब्द वरतण तों गुरेज करदे ने। पछमी देशां दे रीस करके अपने नाम दे नाल जात गोत लाउण दे विच फखर महसूस करदे ने। असीं ओह लोग हाँ जो अपने नाम दे नाल गोत वरत के तां बहुत माण महसूस करते हाँ, पर गुरु साहिब दे वल्लों प्रदान कीती इस उपाधि नूं वरतण तों गुरेज करते हाँ। सिंह जां कौर शब्द की वरतों ना करना एक सिख की आत्मक कमजोरी ही है, क्योंकि जेकर यह आत्मा की कमजोरी नहीं है तो फिर किवें हो सकता है कि कोई सिख अपने अहदे जां अपने खानदान का जिक्र तो बहुत फखर दे नाल करे, पर गुरु साहिब दे वल्लों यह उच्ची उपाधि जो बख्शी गई है उन्हूं नाम दे नाल लाउण तों बहुत संकोच करता है। सो अज जिथे सानू अपने विच आईयां होर कमियां नू दूर करन दी लोड़ है, उत्थे इस दे नाल ही सिंह जां कौर शब्द तों मूंह मोड़न दी जिहड़ी वादी है, इह ख्याल है इस तों छुटकारा पाउण दे वास्ते हमला मारन दी वी लोड़ है। सानू सब तों पहलां खुद नू इस शब्द दी इह जिहड़े सिंह ते कौर इह शब्द दी महत्ता नू समझणा पवेगा, फिर ही असीं दूसरियां नू इस दी महत्ता तों जाणू करवा सकांगे। लोड़ है कि असी अपने नावां दे नाल गोत जां जात ला के फखर महसूस करन दी जगह गुरु साहिब दे वल्लों बख्शी इस उपाधि सिंह जां कौर दी वरतों करके माण महसूस करिए, ते असी कह सकिए कि हाँ मैं जसप्रीत कौर गुरु गोबिंद सिंह जी दी धी हाँ।